पत्नी भी सुंदर और बच्चा भी बेहद सुंदर था, और बच्चा भी बेहद सुंदर था, और बच्चा भी बेहद सुंदर था, और बच्चा भी बेहद सुंदर था। बात पुरानी, बात पुरानी, बात पुरानी, एक समय की बात, एक समय की बात, एक समय की बात बताऊं पुरानी। दिन के भीषण मार काट के रक्त पात के, एक समय की बात बताऊं बहुत पुरानी। दिन के भीषण मार काट के रक्त पात के, मार काट के रक्त पात के, मार काट के रक्त पात के, मार काट के रक्त पात के। खूबसूरत दिन, रात पानी बरसा तो लगा छुट्टियां बेमजा हो गई, पर सुबह देखा तो आसमान बेहद साफ सुथरा था। ये साफ आसमान मुझे बेहद पसंद है, मैं हूं भी तो साफ दिल का इंसान। नन्हा माइकल चर्च की तरफ जा रहा है तो सोचा मिलता चलू। ये नन्हा माइकल तो पूरा गवर्नर लगता है, सिर से लेकर पांव तक। ईस्टर मुबारक हो तुम्हें नन्हे माइकल। तुम्हारी क्या राय है आर्सन? जॉर्जी ने तय किया है कि पूरब की तरफ नया खंड बनवाया जाए, उन बेहुदा गंदी बस्तियों को गिराकर ही बाग के लिए जगह निकाली जाएगी। हाँ, बुरी बुरी खबरों के बाद एक अच्छी खबर सुनने को मिली है। क्यों भाई जॉर्जी, लड़ाई की कोई ताजा खबर? सुना है कि फौजी दांवपेच के माथा सेनाएं पीछे हट गई है। खैर, ये सब तो होता रहता है, अब कभी बात बन जाती है तो कभी नहीं बनती। लड़ाई तो इसी का नाम है भाई, और इससे कुछ होता जाता भी नहीं। क्यों ची, तुमने सुना जॉर्जी, माइकल को चीख आई अभी अभी। मैंने कहा था ना, गुनगुने पानी से बच्चे को ना नहलाया जाए। जी महारानी, पानी गर्म करने में थोड़ी चूक हो गई। मैं तुम्हारी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती। महारानी, पानी तो उतना ही गर्म किया था जितना हमारी महान डॉक्टर ने बताया हुआ है। वो रात को हवा जरा तेज थी, इसी वजह से छींक आई। ठीक है, ठीक है, और ज्यादा ख्याल रखो इसका, इसे हरारत सी लगती है जॉर्ज। जी महारानी, जी महारानी, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। तुम्हारी ये हरकत मैं कभी भूलूंगी नहीं, समझी? बहुत अच्छे, बहुत खूब। अपना तो ऐलान है महारानी की, यहाँ जिगर में उठा थोड़ा सा भी दर्द तो अपनी जूती और डॉक्टर का सर। बच्चे को सर्दी हो गई है महारानी, इतना सिर्फ इसलिए कि हम इस मुर्दा जमाने में रह रहे हैं। अगर हमारा जमाना होता तो ऐलान होता कि उतार दो गर्दन। बच्चे का ख्याल तुम नहीं रख सकती क्या? अपने आप को महारानी के आगे ज्यादा मत दिखाओ, मैं तुमसे ज्यादा अच्छे तरीके से। बस करो तुम दोनों,
मुर्गावी की कमी हो गई तो मुझसे कहा कि जाके ले आओ। असल में मुझे मुर्गावियों की पहचान है। मुर्गावी? हाँ। देखो जरा कैसी। मुर्गावी, औरतों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। भाई साहब कहेंगे कि मैं तो मुर्गावी लेने गई थी, लेकिन असलियत कुछ। लो देखो, पूरी 3.25 शेर की है, और केवल दानों पर पली हुई ना हो ना तो मेरा नाम भी ग्रुशा नहीं। अरे ग्रुशा, ये तो मुर्गावियों की रानी है, इसे हमारे गवर्नर साहब ही खाएंगे। हाँ अच्छा, तो आप नदी किनारे तक गई थी? हाँ, मुर्गी खाने तक। अच्छा, ओ मुर्गी खाने तक। हाँ। यही नदी किनारे तक। हाँ। वो आगे नहीं गई, वहाँ बैतवन तक? बैतवन तक तो मैं सिर्फ कपड़े धोने जाती हूँ। बेशक। बेशक क्या? बेशक मतलब आप बैतवन कपड़े धोने तो जाती है। हाँ, तो मैं बैतवन कपड़े धोने क्यों ना जाऊँ? तो मैं बैतवन कपड़े धोने क्यों ना जाऊँ? अरे अपनी शक्ल देखो, कोई बात नहीं, बहुत खूब जाया करो। खूब क्या है, मैं तो नहीं समझी। अच्छा जी, अगर किसी को यह मालूम पड़ जाए कि किसी को क्या क्या मालूम है, तो किसी का चेहरा इसी पल लाल और किसी का चेहरा इसी पल फक से सफेद पड़ जाए। ऐसी क्या बात उस बैतवन में है? इधर। हाँ? अगर उस बैतवन में एक झाड़ी हो तो। हाँ? और उस झाड़ी से सब कुछ दिखाई देता हो तो, वो जो वहां होता है जब कोई वहां कपड़े धोता है। ऐसा क्या होता है वहां? बहुत कुछ होता है और बहुत कुछ दिखाई भी देता है। अच्छा, तो सिपाही का इशारा इस तरफ है कि जब मैं बैतवन में जाती हूँ और नदी में कभी कभी अपने पैर भिगा लेती हूँ, पर वो तो कभी कभार होता है ना, ऐसे तो वहाँ कुछ भी नहीं होता ना। और भी कुछ होता है, थोड़ा सा पैर, कुछ और भी। कुछ और भी क्या? ज्यादा से ज्यादा थोड़ा और पैर। ऊपर उठो, ऊपर उठो। इतना सा पैर? हाँ, थोड़ा सा और। थोड़ा सा और। थोड़ा सा और। थोड़ा सा और। थोड़ा सा। साइमन शाश्वा, तुम हर नदी के पास आते हो, झाड़ियों के पीछे इंतजार करते हो कि कब कोई औरत आए और तुम उसकी नंगी टांगे देखो। नहीं, ये गलत है। मैं समझ गई, तुम वहां किसी और को भी लेके आए। अरे क्या? मैंने तुझे कुछ भी नहीं कहा। अरे गुस्सा मत, किसी को नहीं लाता। करूंगा,
कुछ भी तो नहीं, पर तुम्हारे मन में ये बात आने कि मैं क्या करूंगा। मेरे मुझे आदेश हुआ है कि मैं रानी साहिबा का रक्षक बनकर उनके साथ जाऊं। तो फिर महल के पहरेदारों ने बगावत नहीं की है? की तो है। तो उनके साथ जाना खतरनाक नहीं है? तिफलिस में एक कहावत मशहूर है कि तलवार को मौत का क्या। तुम तलवार नहीं हो साइमन, तुम बस एक हार्ड मास के इंसान हो। उस औरत को तुमसे क्या लेना देना? लेकिन आदेश आदेश है, इसलिए मैं जाऊंगा। ये तो बेवकूफी है साइमन, तुम समझ नहीं रहे हो। तुम अपनी जान को समझाना ही नहीं चाहिए, मुझे जाना है, जरा जल्दी है। साइमन तुम समझ ही नहीं रहे हो। अरे तुम मेरी सुनो तो, तुम तब तो समझोगी। अरे जल्दबाजी है तो हमें लड़ना नहीं चाहिए, धूमधाम से लड़ने के लिए बहुत वक्त चाहिए। क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? जी बोलो साइमन। तुम्हारे माँ बाप जिंदा है? बस एक भाई है। वक्त में से दूसरा सवाल, सेहत कैसी है? सेहत कभी 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 बाएं कंधे में दर्द हो जाता है, लेकिन लेकिन सारे काम बड़े आराम से कर लेती हूँ और किसी को शिकायत नहीं होती। ये तो जग जाहिर है। मान लो इस तरह का इतवार हो, मुर्गा भी लाने का सवाल हो, तो कौन लाएगा? तुम। अच्छा तीसरा सवाल, हथेली पर सरसों उगाने की आदत तो नहीं है? इतनी बेसब्र आदत की नहीं हूँ साइमन, लेकिन कोई जंग पे चला जाए बेमतलब और फिर खैर खबर भी ना दे तो बुरी बात है ना। खैर खबर मिलेगी जल्दबाजी। एक कहावत मशहूर है कि सरपट घोड़ा ही अपनी टांग तोड़वाता है, और कहा तो ये भी जाता है कि अमीर लोग रोटियां ठंडी करके खाते हैं, लेकिन मैं कुछ सबके। अच्छा जी, मतलब सारी छानबीन पहले से कर ली गई है, बाकी ये कि मैं हट्टा कट्टा हूं, मुझ पर कोई आश्रित नहीं है, 10 प्याज पर माहवार कमाता हूं, जो कि 20 भी हो सकता है। उषा, मैं पूरी ईमानदारी और सच्चे दिल से चाहता हूं कि तुम मेरी जीवन संगिनी बनना मंजूर करो। मेरी हाँ है। ये मेरी माँ का सलीब है, अगर तुम कहो तो। इसके लिए शुक्रिया साइमन। तो अब मैं जाऊँ? हाँ। चले जाओ। हाँ ठीक है। अभी आवाज दी क्या? नहीं। मैं जाता हूं। साइमन! मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैं वापस लौटूंगा गुरुशा। Thank you.
शहर का माहौल बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपको एक मिनट की भी देरी नहीं करना चाहिए। और ये गाड़ियों में बक्से रखने की बिल्कुल जगह नहीं है। सिर्फ जरूरी सामान ही रखवाना। जरूरत का सामान बताती हूँ मैं। छोड़ो इसे, वो बाइक वाला टायर में रखो। जीसस, मेरे सर में दर्द भी शुरू हो गया। डॉक्टर्स कहाँ है? जल्दी डॉक्टर्स को बुलाओ। कहाँ पर है? दो शर्मा को मत देख, घूर घूर कर काम कर। काम में बिल्कुल मन नहीं लगता तेरा। मैं कर रही हूँ, कहूँगी मेरे। बताना, शहर में मारकाट हो रही है। मैं फिर कह रहा हूँ, जल्दबाजी करो। पत्नी को फांसी पे लटका दिया गया है और मजदूर कारीगरों ने हमारे खिलाफ बगावत कर दी है। जल्दी करो सामान। ओहो, जल्दी जाओ, मेरा उपरा भी जोड़ा ढूंढो। पूरे 1000 प्यास्टर का क्या कर रहे हो सबके सब? और तुम पूछा करते कर पानी की बोतल लेकर आओ। जल्दी जाओ। हमें गाड़ियां नहीं छोड़ना पड़ेगी, घोड़ों पर भागना पड़ेगा। जल्दी करेंगे, तेरी भूख का समय हो गया ना? यहाँ पे तू अभी रुक, मैं दूध लेके आती हूँ। और क्या है बाबा? दूध मिल जाएगा? दूध? अरे दूध तो सपना हो गया। शहर से फौजी आए थे, युद्ध छिड़ा है, सारी बकरियां ले गए। दूध चाहिए तो फौजियों के पास जाओ। थोड़ा सा चाहिए बस, छोटा सा बच्चे देके थोड़ा सा दे दीजिए। जीजस के नाम? क्यों नहीं, क्यों नहीं। दुआ के नाम पर कौन मांगता है? प्यास्तर है मेरे पास। शाहों की तरह दाम देंगे? हाँ, तन पे नहीं लगता, पान खाए अलबत्ता। अरे हम तो देखो, ले आइए। ये बूंद भर का क्या दाम हुआ? 3 प्यास्तर। ये 2 बूंद का 3 प्यास्तर? हाँ, दाम बढ़ गया है। नहीं चाहिए माइकल, 2 बूंद के 3 प्यास्तर। 3 प्यास्तर हम कहाँ से लाएंगे राजे? बच्चा 2 प्यास्तर। अच्छा ठीक है।
काम है कि लूट है, ये तो सरासर बेईमानी है। बेईमानी? अरे दूध चाहिए तो लाइट का खात्मा कर दो। क्या बड़ा महंगा मजाक है माइकल, ये ले। तू तो दूध पी ले, थोड़ा थोड़ा दूध। नहीं पिएगा, पूरे आधे हफ्ते की कमाई का है, और ये लोग तो सोचते हैं हम कोई मेहनत ही नहीं करते। माइकल पी ले। ये भोले भाले नखरे ना मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, और कभी कभी बहुत गुस्सा दिलाते हैं। अब देखो ये हजार प्यास्तर का जड़ी का कोट, और पीने के लिए एक प्यास्तर भी नहीं है हमारे पास। चलो अब माइकल तो नहीं पी रहा, ग्रुशा ही पी लेगी। और फिर तभी तो ग्रुशा माइकल को पहाड़ों के ऊपर लेके जाएगी। अभी हमको माइकल बहुत दूर जाना है, वो वाले पहाड़ी में ना। सिपाही होने के लकीर पीट रहा था। तू साला क्या सोचता है हा? मैं देखता नहीं, मैं गौर से देख रहा था तूने उस दिन क्या किया था। अरे भाई ये साला शेर की खाल में गीदा, खाक पर तू मिलेगी। हाँ जल्दी कर। बस अब मैं चला जा रहा हूं। अबे घमंड, हुक्म उदुली की तेरी आदत है, तू सला अपने आप को क्या समझता है हाँ? अरे चलना बंद कर, मैं सब समझता हूँ। तू सला ये जान बूझ कर कर रहा है, इसलिए कि मैंने घोड़े बेच दिए हैं। अबे सला उठ, सला उठ, उठ, सला। सुन, घोड़े में इसलिए बेच दिए हैं ताकि उसका दाम सही था, समझा? और तू ऐसा चल के ये बोलना चाहता है कि तू पैदल चल नहीं सकता। सुन, इसी तरह बनेगा कुछ नहीं, कुछ नहीं बनेगा, उल्टे बिगड़ेगा, समझा ना? जल्दी कर। रुक जा, पानी पी लो। हाँ पीजिए। ले पकड़। सुन, अच्छा सिपाही वो है जो अपना खून पसीना एक करता है, जो अपने सरदार के लिए बोटी बोटी काट कर भी उफ तक नहीं कहता, समझा? हाँ। क्या हाँ बोलता है, समझता है कि नहीं? हाँ। इस साला कुछ नहीं समझता है, साला घमंड कहीं का। सुन, यही बात उसको बराबर एहसास होना चाहिए, समझा? उसका इनाम सिर्फ यही होता है। गधा कहीं का साला, तुझे लेकर गवर्नर के उस हरामी पिल्ले को कैसे ढूंढूंगा। आ जल्दी कर। Thank you.
ये बच्चा किसका है? पता नहीं। पता नहीं? कौन छोड़ गया इसे? क्या हुआ बेटा? माँ नहीं है तुम्हारी? देखो ये तो लड़का है। क्या है? पर ये छोड़ कौन गया यहाँ? इसके कपड़े लगते तो बढ़िया है, जरूर ये किसी अच्छे घर का है, पर इसको यहाँ क्यों छोड़ गए? अगर कोई ये समझ के छोड़ गया कि हम इसे पाल लेंगे तो इसकी भूल है। इसे ले जाओ पादरी को दे जाओ। पादरी क्या करेगा? और हम क्या करेंगे? इसे माँ की जरूरत है। देखो ना कितना प्यारा बच्चा है, हम इसे पाल ले। नहीं! ये घर के किसी कोने में लेटा रहेगा, तुम्हारा क्या जाएगा? मैंने कहा नहीं। मैंने कह दिया हम ही इसे पालेंगे। कोई अनाथ आश्रम खोल के हम पालेंगे। चलते अचानक रुक क्यों गई? चुप क्यों हो गई? कल तक नन्हा माइकल जो एक बोझ की तरह पीठ पर बैठा था, आज वो नन्हा सा बोझ हल्का हो गया। इसलिए ग्रुषा उदास है। चुप हो। फौजियों के रूबरू में दुश्मन से आपके कुछ गैर कानूनी संबंध है क्या? हाँ, ये कहाँ छुपे हैं? उधर दुश्मन की गतिविधियां, मोर्चेबंदी वगैरह कैसी और क्या क्या है कुछ पता है क्या? हाँ, अरे पहाड़ियों में क्या हालचाल है और घाटी में? हाँ, ये मोजे आपने कैसे बांध रखे हैं? हाँ, कसकर बांधे। अच्छा, अब पीछे हट जाइए। ओ पीछे, मैं हमेशा हट जाता हूँ। इस मामले में मैं पक्का हूं। बंदूक को इस तरह घूर घूर कर क्यों देख रही है? लड़ाई के मैदान में सिपाही अपना बंदूक कभी नीचा नहीं करता, हमेशा यूं निशान पे सीधा पक्का। अब एक हमार यस यादेश, इस बात को गांठ बांध ले, तेरा बहुत काम आएगा। हाँ तो बताइए आप कहां जा रही थी? मैं मेरे मंगेतर के पास जा रही थी। साइमन शाशवा नाम है उसका, वो नूखा में महल का पहरेदार है। मैंने उसे लिखा ना तो वो बताएगा तुम्हें। ओ साइमन शाशवा, अरे तब तो ठीक है, उसे मैं जानता हूँ। उसने तो मुझे चाबी दी थी कि कभी कभार आपको देखता भालता हूँ। नहीं अबे एक हमार, अपनी साह गिर रही है, इसे ये महसूस होना चाहिए कि हमारी यादें एकदम नेक है पानी की तरह। हाँ तो बताइए आप कहाँ जा रही थी? हाँ बताया ना, कहाँ जा रही थी? साइमन के पास मांगे थे। अच्छा 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 अच्छा, देखिए बात ऐसी है, मुझे आपसे एक बच्चा चाहिए। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, इस इलाके में हम एक बच्चे को ढूंढ रहे हैं, वो बड़े ही शहरी घराने का है और बढ़िया कपड़ों में है। आप बातचीत का बिल्कुल
देखा? ये रही, मैंने क्या कहा था, ये नाक बड़ी दूर की सूंघती है। ए, मुझे एक सवाल तेरे से पूछना है, तू भागी क्यों थी? नहीं नहीं, तेरे मन में क्या आया, मैं तेरे साथ क्या करता? जरूर जरूर कोई रंगीन बात आई थी ना, हा? पता? चूल्हे पे मैं दूध छोड़ के आई थी, वो याद आ गया। अच्छा, या ये लगा कि मैं तुझे रंगीन नजरों से देख रहा था, शायद मैं चाह रहा था कि अपने बीच में कुछ पक जाए। रंगीन नजरें, समझ गई ना? हा? मुझे मुझे नहीं लगा ऐसा। अरे भाई, लग भी सकता है। ए भाई, है कि नहीं? हा? मैं गिरा हुआ इंसान भी हो सकता हूँ, ओ बाले, है कि नहीं? हा? सब कुछ मुमकिन है, मेरी बात में कोई पैंच नहीं है। अगर हम अकेले होते तो मैं कुछ भी कर सकता था, कुछ भी, समझ गई ना? ए बढ़िया, तुम्हें कुछ काम नहीं क्या? जा घर के अंदर जा। मैं इसे नहीं जानती, आप हमें तबाह मत कीजिएगा। क्या मैं तो किसके बारे में, ये क्या बक रही है? ये बच्चा, ये देखो, ये मेरा नहीं है, ये इसको गहरी पर छोड़ दे। साले हट, हट। साले बच्चा, देख देख, साले हम ढूंढ रहे थे गली में और वो निकला। इस बुढ़िया को लेकर बाहर जा, जल्दी जा। क्या है ये? ये तो मेरा बच्चा है। जरा देख तो लो, वो है कि नहीं मेरा बच्चा है? अरे हाँ, यही बच्चा है, साला मैं इसको ढूंढ रहा था। ये वो नहीं है, ये तो मेरा है। क्या है? वही है, इसको मैं ढूंढ रहा था। मेरा, तेरी बात सुनो। चल हट। मत छू ना मेरा। ए तुमको लपक। अरे हाँ, ये तो साला बड़ा चिट्टा है, यही बच्चा है। Thank you.
और ये क्या हालत बना रखी है तुमने? मैडम मैडम, ये मुझे वहाँ बाहर भूसे की बखारी के बाहर पड़ी मिली। इनके पास एक छोटा सा बच्चा भी है मैडम। बच्चा? हाँ। जाकर बाल घोड़ों को देखो, काम करो अपना। तुम जाओ, तुम जाओ। खुश रही तुम्हारी भाभी अनिक को? तुम तो नूखा में नौकरी पर थी ना? वही थी। तो यहाँ कहाँ से चली आई? नौकरी पसंद नहीं आई क्या? वहाँ पे तो बगावत हो गई है, गवर्नर को भी मार डाला गया भैया। हाँ हाँ, सुना तो था वहाँ बलवा हो गया है। तुम्हारी तो चाची ही बता रही थी, याद है नानी को? अरे कुछ नहीं, ये शहरी लोग है ना, इन्हें हर वक्त कुछ ना कुछ हंगामा चाहिए। हमारे गांव में तो शांति है। अरे सोसो, जरा तंदूर से रोटी तो निकाल लेना, अब जवाब भी नहीं दिया जाता। काम चोर कहीं की। इसका पिता है ना? मेरा भी यही ख्याल था। कोई बात बनानी पड़ेगी गुरुशा, तुम्हारी भाभी बड़ी धर्म कर्म वाली है। किसी काम की नहीं है ये नौकरानी, मुफ्त की तनख्वाह लेती है। हाँ। ये बच्चा तुम्हारा ही है? मेरा ही है। लो, महारानी जी की तबीयत और खराब हो गई, अब इनका खर्चा भी मैं उठाऊं। सिर्फ कमजोरी है निको। कमजोरी नहीं है, छूत वाला लाल बुखार होगा, हालत नहीं दिख रही। होता तो चक्के पड़ जाते, सिर्फ कमजोरी है। परेशानी की कोई बात नहीं है निको, बैठने से आराम मिलता है। गुरुशा, ये बच्चा भी तुम्हारा ही है या मेरा है? ये अपने आदमी के घर जा रही थी। तो तुम क्या घर छोड़ के आओगे? खाना खाओ यहाँ बैठकर। चर्बी वाला गोश्त है, हाजमा तुम्हारा इतना अच्छा नहीं है। आदमी के घर जा रही थी। अच्छा, तुम्हारा घर वाला तो शहर में रहता है ना, कहाँ है वो? इसने बताया था ना, इसकी शादी पहाड़ों के उस पार हुई है। क्यों गुरुशा? उस पार? हाँ। मैं यहाँ पे लेट जाऊँ? हाँ। मुझे तो लगता है इसे तपेदिक होगा। हमारे बिस्तरों में लेटेगी ना, छूत की बीमारी देकर जाएगी। वहीं बैठी रहो। खेत वेत है तुम्हारे घर वाले के पास या ऐसे ही चली आई? छोटा सा खेत उसे मिलने वाला है अपने बाप से। सिपाही है। हाँ। तो वो जंग पर नहीं गया? सभी सिपाही तो जंग पर गए हैं। जंग पर ही गए? तो तुम खेत काहे जा रही हो? वो लड़ाई से सीधा अपने खेत पर आएगा। तो ये तो अभी से जा रही है ना? ये वही इंतजार करेगी। अरे सोसो, जरा केक भी निकाल लेना, मीठा खाने का बड़ा मन हो रहा है। गुरुशा, गुरुशा, उठो, उठो। गुरुशा, तुम बहुत दिनों तक यहाँ नहीं रुक सकती, तुम्हारी भाभी बड़ी कट्टर है, कुछ करना पड़ेगा। गुरुशा, what a lovely dead body.
वाकावनी देव बॉडी का नाम यूसुफ। तो मैं कब्रिस्तान के सारे भूत पलीतों को साक्षी मानकर क्या नाम बताया, ग्रुशा, और यूसुफ को शादी के बंधन में बांधता है। ग्रुशा, गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। क्या तुम यूसुफ भाई को यूसुफ भाई की अच्छी वफादार और आज्ञाकारी पत्नी बनने का वादा करती हो? यस यस। हाँ 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 करती है। यूसुफ भाई, क्या तुम ग्रुशा को मरते दम तक प्यार करने का वादा करते हो? कितनी जोर से मुबारक मुबारक मुबारक। अब मृत्यु शैया पे शादी करवाने के लिए पादरी की बख्शीश कौन देगा? ये दुल्हन के, दुल्हन के भाई देंगे। मदर मेरी आपका भला करे, आपके बच्चे बड़े होके दारू पादरी जी। वाह कांग्रेचुलेशन दिया पादरी जी, शादी हो गई है। अगर शादी हो गई तो स्वीट्स भी मिलता है। वैसे भी हमारी उसको भाई सोलह। खजूर के पेड़ के तले लगता नहीं मेरा किसी ने बहुत इंतजार किया है साइमन, और भुलाया भी नहीं है, और दिए अब भी वैसे ही चल रहे हैं। क्या बात है ग्रुशा, कुछ हुआ है क्या? मैंने एक हथियारबंद को मारा था। अरे तो ग्रुप
हाथ बरमा रहा होगा। मेरा नाम अब वो नहीं है साइमन जो होता था। मैं समझा नहीं। औरतें अपना नाम कब बदलती है साइमन? लेकिन हमारे बीच कुछ नहीं बदला, सब कुछ पहले जैसा है साइमन, बिल्कुल वैसे ही है, कुछ नहीं बदला। सब कुछ पहले जैसा है लेकिन कुछ बदल जरूर गया। नहीं साइमन, ऐसा कैसे हो सकता है? समझाऊं तुम्हें, इतनी तेज नदी बह रही है, तुम इसका नाम तो बताती हो। अब इसकी जरूरत नहीं रह गई। जरूरत है साइमन, बहुत जरूरत है। आ जाओ जल्दी। क्या किसी को ये कहना कि किसी ने आने में बहुत देर कर दी? नहीं साइमन, ये नहीं कहना। इधर आ जाओ साइमन। वहां पर एक टोपी भी दिखाई दे रही है। क्या कोई नन्ना मुन्ना भी आ गया है? छुपाऊंगी क्यों, लेकिन वो मेरे नहीं है। अरे जब हवा बहने लगे तो वहां छेद से होकर गुजरती है। अब कुछ कहने की जरूरत नहीं गुरु साहब। एक काम करो, मेरी बात का चलने पूछो वापस, या उसे नदी में फेंक दो। वापस मत जाओ, वो मेरे नहीं है। पुलिस तुझे देख ही ना पाती। राम
ए, मैं तुझे पहले ही बता दूं, ये अमीरों की तरह लार चाटना बनकर मुझे घिन आती है इन सबसे। साला इन चर्बी चढ़े अमीर सुअरों को तो परमात्मा ने बना दिया, सो उन्हें तो बर्दाश्त करना ही पड़ता। तुम जैसों को करे मेरी जूती। एक बार सुना था, एक बड़ी दावत में एक बड़े जज ने सरेआम पाद मारा था अपने आजाद ख्यालों का सबूत देने के लिए। तुझे इस तरह खाते देख मन में बड़ा बेहूदा ख्याल। हाथी का हाथी का हाथी का गोरी मुलायम चमड़ी। साले मैं तुझे पुलिस से बचा रहा हूं कि गरीब आदमी हूं। गरीब आदमी नहीं है ना? नहीं है। जमींदार निकलो बेटा, निकल निकल। देखो तुम समझ नहीं रहे हो, मेरा पीछा किया जा रहा है। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि क्या देगा? वचन देगा? आग लगा के पानी लेने दौड़ता है। मैं कहता हूँ निकल जा, निकल। देखो मैं तुमसे विनती करता हूँ, मैं तुम्हें एक रात के एक लाख ब्याज तक दूंगा। क्या कहा? फिर से बोल, फिर से बोल। एक लाख ब्याज। एक लाख ब्याज तक? तो तू समझता है मैं बिका हूं, वो भी एक लाख प्यासर के लिए? अरे तू सच में जमींदार है या मेरा लीचर? डेढ़ लाख देगा? मेरे पास अभी तो नहीं है, भिजवा दिए जाएंगे। इत्मीनान कतई नहीं किया जा सकता। निकल जाओ, निकल निकल। कौन शोभा? मैं घर पर नहीं हूं शोभा, और तुम फिर यहां कागजात करते घूम रहे हो। तुमने आज एक बार खरगोश पकड़ लिया, तुमने मुझसे वादा किया था ये दोबारा नहीं करोगे। शोवा जब जानते नहीं हो तो टांग मत अड़ाया करो। अरे तुम नहीं जानते, खरगोश खरगोश इस दुनिया का सबसे नुकसान पहुंचाने वाला जानवर है। वो फसलों को तास नास कर देता, साथ में फसलों के साथ उगी घास पात को। इसलिए मैं तो कहता हूं कि खरगोशों का सफाया कर देना। तुम मुझे क्यों डराते हो अस्तक? तुम्हें गिरफ्तार नहीं करूंगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी, और मैं जानता हूं कि तुम नेक दिल इंसान हो। कितनी बार कहा तुझे कि मैं कोई नेक दिल इंसान नहीं हूं? हजार बार बोला है कि मैं एक अक्ल का पुतला हूं। हाँ हाँ अस्तक, मुझे मालूम है कि तुम जरा ऊंचे किस्म के इंसान हो। तुम खुद भी तो यही कहते हो, मैं तो ईसाई हूं और गवार भी। इसलिए तुम ही मुझे बताओ, अगर राजकुमार का खरगोश चोरी हो जाए तो पुलिस का आदमी होने के नाते मुझे चोर के साथ क्या करना चाहिए? शोवा लानत है तुम पर। अरे तुम मुझसे सवाल पूछते हो? अरे सवाल से ज्यादा खूबसूरत और खतरनाक चीज इस दुनिया में दूसरी नहीं है शोवा। मिसाल के तौर पर तुम एक औरत नहीं हो। नहीं, मान लो कि तुम एक औरत हो, वही आवारा छोकरी नूनो हो ना, और तुम मुझे अपनी जान खोलकर दिखाते हो। ए, तुम्हारी नहीं नूनो मना की जान, और तुम मुझे कहते हो कि देखो ये जान है और इसमें खुजली होती है, तो क्या इस नखरेबाजी को मासूम में समझा जाएगा? नहीं नहीं ना शोवा, मैं खरगोश पकड़ता हूँ लेकिन तुम आदमी पकड़ते हो शोवा, और आदमी परमात्मा का अंश होता है। ईश्वर तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। मेरी बात सुनो, अभी तुम्हारे पास समय, घर जाओ और माफी मांगो। जाओ 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 जाओ। अरे रुको रुको रुको, मैं ये कह रहा था कि माफी जरूर मांगना। थैंक यू अस्तक, मुझे पाप से बचाने के लिए। हाँ क्या हुआ बंधु, डर गए? अच्छा वैसे तुम्हें ताज्जुब हो रहा होगा कि मैंने तुम्हें उसके हवाले क्यों नहीं किया। तुम तो तुम, मैं एक खटमल तक को इन पुलिस वालों के हवाले नहीं कर सकता, ये अपनी आदत के खिलाफ होते हैं। पनीर खा लो पर गरीब की तरह खाना, नहीं तो शोवा दूर नहीं गया। खाओ।
तुम्हें तो ये भी बताना पड़ेगा कि गरीब के तौर तरीके कैसे होते हैं। देखो मेरी बात सुनो, ये बक्सा एक मेज है, इसे मेज समझो। अब अपनी कोहनियाँ मेज पर रखो, रखो, बहुत अच्छे। तश्तरी को बांहों से इसे घेर लो, जैसे तुम्हें लग रहा है कि अभी कोई से चपट्टा मारकर छीन लेने वाला है। अब इस चाकू को ऐसे समझो जैसे छोटा सा हसिया। पनीर को लालच की नजरों से मत देखो, इसे दुख भरी नजरों से देखो, क्योंकि ये खत्म होते जा रहा है। इस दुनिया की हर खूबसूरत चीजें धीरे धीरे खत्म होते जा रही। Oh, Siria, you jackass!